श्री विष्णु पुराण 18वां अध्याय। प्रह्लाद को मारने के लिए विष शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रह्लाद कृत भगवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देखकर दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु से डरकर उससे सारा वृतांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे सूदगण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल वश मिलाकर दो और किसी प्रकार का शौच विचार ना कर उस पापी को मार डालो। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रह्लाद को जैसे कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया गया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए तथा भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देखकर रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकशिपु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा। सूदगण बोले, हे दैत्यगण, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था तथापि आपके पुत्र प्रह्लाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृपया उत्पन्न करो और देरी ना करो। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रह्लाद जी से उनके पास जाकर शांति पूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो, तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है। तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होगे, इसीलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। प्रह्लाद जी बोले, हे महाभागगण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु है और रत्न पूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूंगा। किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है। आपका यह कथन किसी भी प्रकार ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं, ये चारों ही जिनसे सिद्धि होते हैं उनसे क्या प्रयोजन, आपके इस कथन को क्या कहा जाए। उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्य नए ऋषिवरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है, किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति ऐश्वर्य महत्तम ज्ञान संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सबकी एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही
उपार्जनिया है। हे ब्रजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? मेरे विचार से तो सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उनके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्यभाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। रोहितगण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात ना कहेगा तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। वे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृतया उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन हैं। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृतया उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पादघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रह्लाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र के भी टूक टूक हो जाते हैं, त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृतया का प्रयोग किया था, इसीलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृतया द्वारा जलाए जाते देख महामति प्रहलाद जी ने हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विश्व स्रष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुसह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त है। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय भगवान श्री विष्णु को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आगे आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग्नि जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित करवाया और जिन्होंने सर्पों से बसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो उन सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री पराशर जी कहते हैं, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनयावनत बालक से कहने लगे। पुरोहित गण बोलते हैं, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु निर्द्वंद बल वीर संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री पराशर जी कहते हैं, हे महामुनि, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास जाकर उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।